नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा कंद के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम अभी तक कि आपने शायद नहीं जाना होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से, है ना, ये विदारी कंद है, ठीक है, ये विदारी कंद है और फैबेसी कुल से है ये। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन कुडजू है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बहुत सारा फायदा होता है आयुर्वेद की दृष्टि से, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी वनस्पति में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियां आती रहती हैं और आप लोगों को मैं फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, भविष्य में किसी का उपचार कर सके और डॉक्टरों को जो मोटी रकम देते हैं ना, इससे बच सके। तो ये विदारी कंद है। विदारी कंद बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है आयुर्वेद की दृष्टि से और ये उन बीमारी को ठीक करते हैं जिन्हें डॉक्टर भी ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अर्श संबंधी बीमारी को ये ठीक करते हैं। वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, यह जानकारी आपको हमेशा काम आने वाले हैं, वरना आप ही भयंकर भुगतना पड़ेगा आपको जब अर्श की बीमारी होंगे तो, क्योंकि अर्श की बीमारी बहुत ही गंभीर समस्या होती है। तो मैं बताना चाहूंगा अर्श किसे बोल सकते हैं, जैसे कि खून निकलना, है ना, बहुत सिर की बीमारी से खून निकलते हैं, योनि से भी खून निकलते हैं, बहुत सारी समस्या हो सकती है, बहुत से कारण की वजह से कभी कभी नाक से भी खून निकलने लगते हैं। तो ये अर्श की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है अर्श की बीमारी में बताऊंगा। वीडियो में आगे बने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, या गुप्त संबंधी परेशानी है तो आप हमें hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछे, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में, मेरे इस परिवार में जितने भी सदस्य जुड़े, सबको फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, सबको हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो एक चम्मच की मात्रा में इसके कल का को, ठीक है, देख ले इस प्रकार से दोस्तों। तो इसके कंद का चूर्ण 1-2 ग्राम की मात्रा में लेना है और तिल का तेल लेना है, दोनों को समान मात्रा में लेकर के पिसका करके कल का बना ले, और 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में रक्त स्त्राव खत्म हो जाता है। इसका और भी प्रयोग बताऊंगा, ये पहला प्रयोग है। इसके बाद स्तन में दूध बढ़ाने के लिए ना, बहुत से माता बहनें, जैसे कि बहुत से हमने अपने आसपास के लोगों को ही देखी है, बहुत से ऐसे हमारे, हमने मेल के जरिए बात की, बताना चाहूंगा। तो एक बात बताना चाहूंगा, जो महिलाएं जिनके स्तन से दूध की, कहा जाए, वृद्धि नहीं हो पा रही, दूध नहीं निकल रही, तो 5 ग्राम विदारी कंद के चूर्ण को दिन में 3 बार दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों में जो स्तन से बिल्कुल ही दूध नहीं निकल रहे, दूध निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के जानकारी हमेशा काम आती है। ये जानकारी आपको फ्री में आयुर्वेदाचार्य के पास जाकर के देखिए, कोई नहीं बताने वाले, कोई भी अपनी जानकारी कभी भी नहीं बांटती, लेकिन आप सभी को दोस्तों हम चाहते हैं कि भारत भूमि से इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न होकर के फ्री में जानकारी बताते हैं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके और इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान हमारे भारत भूमि में बनी रहे। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मासिक विकार में खून निकलता, तो 1 चम्मच इसके विदारी कंद के चूर्ण को घी और शक्कर के साथ चाटने से मासिक धर्म में जो अधिक खून जाना होता है ना, जिसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं, वो ब्लीडिंग बिल्कुल ही रुक जाते हैं। 3 ग्राम विदारी कंद के चूर्ण को 10 मिलीलीटर विदारी कंद के रस में मिला करके 5 ग्राम घी और 10 ग्राम मधुरस में मिला करके सुबह शाम सेवन करने से पुरुषत्ता की जो ताकत होती है, पौरुष ताकतें बढ़ती हैं, शुक्राणु की संख्या को ये बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी जानकारी मैं दोस्तों आप लोगों को बोलता हूँ, मैं शर्म नहीं करता, सही जानकारी बताता हूँ, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रहें। तो ये थे 4 ही इसके फायदे बताने वाले, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका फायदा बताऊंगा। तो ये थे छोटी सी जानकारी, कैसे लगे यह वीडियो हमें जरूर बताना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।